लगातार हो रही भारी बारिश ने कोरबा जिले की स्थिति को गंभीर बना दिया है। बांगो डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इसके परिणामस्वरूप दरी बांध के 3 गेट खोलकर हसदेव नदी में हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। यह अचानक पानी छोड़े जाने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिसने सीतामढ़ी के निचली बस्तियों में घुसकर कई घरों को डुबो दिया है। सीतामढ़ी चौक के सामने बसी बस्ती में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया है। सुबह 10 बजे बाढ़ की सूचना मिलने के बाद लोग अपने घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। बस्ती में पानी का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और कई घरों में पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों की जान पर बन आई है। इस बाढ़ की स्थिति को लेकर क्षेत्रीय पार्षद ने प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के बांध से पानी छोड़ने की कार्रवाई ने लोगों को असहनीय संकट में डाल दिया। प्रशासन को लोगों को समय पर सूचना देनी चाहिए थी ताकि वे अपनी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठा सकें। इसके अलावा पार्षद ने राहत कार्यों की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। बांगो डैम का जलस्तर फिलहाल 95% भराव के करीब पहुंच गया है। इससे दर्री बांध का पानी भी खतरे के निशान तक पहुंच गया है। इस स्थिति को देखते हुए बांध से पानी छोड़े जाने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस पानी को छोड़ने के बावजूद बाढ़ की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोगों को राहत की उम्मीद कम हो रही है। जिला प्रशासन ने मानसून की शुरुआत के साथ ही नदी किनारे बसे निचली बस्तियों को अलर्ट जारी किया था, लेकिन वर्तमान स्थिति ने साबित कर दिया है कि तैयारियों में कमी थी। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वह तुरंत राहत कार्यों में जुटे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण और पूर्वानुमान के लिए बेहतर योजना और समन्वय की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचा जा सके। क्या स्थिति है? पानी बाढ़ आके सामान दूसरे यहाँ 3-4 जन के। बाढ़ की इस गंभीर स्थिति ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है और स्थानीय निवासियों को असहनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द राहत कार्य शुरू करें और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करें, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा की जा सके। लोकल 18 के लिए कोरबा से अनूप पासवान की रिपोर्ट।